जल प्रलय। बहुत समय बाद संसार में बहुतेक लोक सब रहत छलाह। ओ सब बहुत दुष्ट आ उपद्रवी भ गेल छलाह। अतेक खराब भ गेल छल जे परमेश्वर एकटा बड़की बैर सँ एहि सारा संसार के नष्ट करबाक निर्णय लेलनि। मुदा परमेश्वर नूह सँ प्रसन्न छलाह। ओ दुष्ट मनुष्य के मध्य में रहय वाला एक धर्मी व्यक्ति छलाह। परमेश्वर नूह के कहलनि जे ओ एकटा विशाल बाढ़ लाबय वाला छथि। एहि लेल ओ नूह सँ एकटा बड़का नाव बनेबाक लेल कहलनि। परमेश्वर नूह सँ लगभग 140 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा आ 13.5 मीटर ऊंचा नाव बनेबाक लेल कहलनि। नूह के ओकरा लकड़ी सँ बनबाक छल आ ओहिमे 3 महल, बहुतेक कोठरी, एकटा छत आ एकटा खिड़की बनेबाक छल। ओ नाव नूह हुनका परिवार आ भूमि के हरेक प्रकारक जानवर सबके ओहि बाढ़ सँ सुरक्षित राखत। नूह परमेश्वर के बात मानलनि आ हुनकर बेटा सब ओहने नाव बनौलनि जेहन परमेश्वर कहने रहथि। किएक तँ ओ नाव बहुत बड़का छल, एहि कारण सँ ओकरा बनाबै मे बहुत बरिस लागल। नूह लोक सबके आबै वाला बाढ़ के विषय मे चेतावनी देलनि आ ओकरा सबके परमेश्वर दिस सँ वापस घुरबाक लेल कहलनि। मुदा ओ हुनका पर विश्वास नहि कयलनि। परमेश्वर नूह आ हुनक परिवार के अपना लेल आ जानवर के लेल पर्याप्त भोजन जमा करबाक लेल आदेश सेहो देलनि सँ सब किछु तैयार भ गेल छल। परमेश्वर नूह सँ कहलनि जे ई समय हुनका आ हुनक पत्नी, तीनू बेटा आ तीनू पुतहु सबके कुल मिला कऽ 8 गोटे के नाव मे जयबाक छलनि। परमेश्वर सब जानवर आ चिड़ै के मर्दन्ना आ मोगयन्नी नूह के लग मे पठा देलनि जे ओ सब नाव मे जा सके आ बाढ़ दरमियान सुरक्षित रह सके। परमेश्वर एहन हरेक प्रकारक जानवर, 7 टा मर्दन्ना आ 7 टा मोगयन्नी पठौलनि जे बलि चढ़ेबाक लेल उपयोग हो सके। जखन ओ सब नाव मे पहुँच गेल तँ परमेश्वर स्वयं नाव के द्वार बंद कऽ देलनि। तखन वर्षा भेनाय शुरू भेल आ वर्षा होइत गेल लगातार 40 दिन आ 40 रात धरि पानि पड़ैत गेल। सारा संसार सब किछु एतै धरि ऊँचगर सँ ऊँचगर पहाड़ सेहो पानि मे डूबि गेल। सूखल भूमि पर रहय वाला हरेक वस्तु मरि गेल। ओहि सब के छोड़ के जे नाव मे छल, नाव पानिक ऊपर दहलाइत रहल आ ओहि नाव मे रहय वाला सब किछु के डूबै सँ सुरक्षित रखलक। वर्षा रुकलाक बाद 5 मास धरि ओ नाव पानी पर दहला रहल आ ओहि समय के दरमियान पानी कम होय लागल। तखन एक दिन ओ नाव एकटा पहाड़ पर जा कऽ अटैक गेल। मुदा संसार अखनो पानी सँ झाँपल छल। 3 महीनाक बाद पहाड़ सबके चोटी देखाई दै लागल। फेर और 40 दिनक बाद नूह एकटा कौआ के ई देखबाक लेल बाहर पठौलक जे पानि सूख गेल कि नहि। ओ कौआ सूखल भूमि खोजै लेल एम्हर से ओम्हर उड़ैत रहि गेल, मुदा ओकरा एहन कोनो स्थान नहि भेटल। फेर किछु दिन बाद नूह एकटा परवा के बाहर पठौलक, मुदा ओकरा सेहो कोनो सूखल भूमि नहि भेटला सँ ओ नूह लग आबि गेल। 7 दिनक बाद ओ ओहि परवा के फेर सँ पठौलक आ ओ अपन लोल मे जैतूनक झाड़ी लऽ कऽ वापस घुरल। पानी सतह कम होइत जा रहल छल आ पौधा फेर सँ उगनाय शुरू हो गेल छल। नूह 7 दिन और प्रतीक्षा कयलनि आ 3रा बेर ओहि परवा के बाहर पठौलनि। एहि बेर ओकरा ठहरबाक लेल जगह मिल गेल आ ओ घुरि कऽ नहि आयल। पानी सूख रहल छल। 2 मासक बाद परमेश्वर नूह सँ कहलखिन, तू आ तुहर परिवार आ समस्त जानवर सहित नाव सँ निकल जा। बहुतेक रास संतान आ पोता पर पोता उत्पन्न करह आ पृथ्वी के भरि दह। तखन नूह आ हुनकर परिवार सब गोटे नाव सँ बाहर आयल। नूह के नाव सँ बाहर अयलाक बाद ओ एकटा वेदी बनौलक आ बलि के लेल उपयोग कयल जाय वाला
सब प्रकार के जानवर सब में से कुछ ल कर बलि चढ़ौड़क। परमेश्वर वही बलि से प्रसन्न भेला आ नूह आ हुनक परिवार के आशीष दिलखिन। परमेश्वर कहलखिन, हम प्रतिज्ञा करैत छी जे मनुष्य द्वारा कैल जाय वाला दुष्कर्म कारणे हम कहियो भूमि के श्राप नहीं देव आ बाढ़ द्वारा संसार के नष्ट नहीं करब। किएक तह मनुष्य बचपने से पापी अछि। फिर परमेश्वर अपन बाचा के चिन्हक रूप में प्रथम मेघधनुष बनौलन। जखन कहियो आकाश में मेघधनुष देखाई दिया तो परमेश्वर स्मरण करती जे वो की बाचा कने रहती आ ओहिना हुनक लोक सेहो स्मरण करतेन। उत्पत्ति अध्याय 6 से 8 तक बाइबिलक एकटा कथा।